बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है सिल्वर को हम कैसे क्लीन करें। मेरे पास सिल्वर का मेटल का रिंग होल्डर है, काफ़ी काला हो गया था तो इसको मुझे क्लीन करना था। और ये एक मैंने बनाई है वीडियो, हैक वीडियो है, तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है कॉटन पैड, इसके ऊपर मैं ये क्रीम लगा रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से इससे रब करेंगे। आप कॉटन बॉल्स भी ले सकते हैं। आज जब मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया तो ये कुछ ही सेकंड में साफ़ हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूं। मेरे पास एक क्रीम रखी थी जो कि एक्सपायर हो गई थी और उसको मैंने कहा फेंकने से पहले एक ट्राई करती हूँ कि इससे क्लीन होता है या नहीं। और जब मैंने ट्राई किया तो इससे वाकई में बहुत ही अच्छा साफ़ हो गया। और भी मेरी डिफरेंट वीडियोस हैं क्लीनिंग हैक पे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मैं क्लीनिंग की वीडियोस बनाती रहती हूँ। अक्सर दफ़ा ये होता है कि हम बाज़ार से लेके आते हैं डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स, जिनसे ब्रास को क्लीन करना या ज्वेलरी को क्लीन करना होता है, तो उससे इतनी साफ़ क्लीनिंग नहीं होती जितनी साफ़ इससे ये सिल्वर के मेटल को क्लीन हुआ है। मेरे पास ये क्रीम थी वॉल्ट्रिन की, जो कि आर्थराइटिस के लोग या जिनके कमर में दर्द हो या नी में दर्द हो वो लोग इसको लगाते हैं। वॉल्ट्रिन की जेल या क्रीम बहुत स्ट्रांग होती है और मैं उसी से ये साफ़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो गई और मेरा रिंग होल्डर जो है दोबारा से न्यू हो गया। अगर आपके पास वॉल्ट्रिन की क्रीम है तो आप सिल्वर की चीज़ को, जो भी आपके पास सिल्वर में है, उसको इस तरह से चमका सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने सिल्वर मेटल के रिंग होल्डर को क्लीन किया है वॉल्ट्रिन से। वॉल्ट्रिन के जेल ने क्लीन कर दिया है क्योंकि ये एक्सपायरी क्रीम थी और उसके बावजूद ये इतना अच्छा इसने क्लीन किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप किस चीज़ से सिल्वर के मेटल को साफ़ करते हैं। ज़रूर शेयर करिएगा हमारे साथ। थैंक यू।